सरन ग्राम पंचायत अराडाकाट में ग्रामीणों ने सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा है कि सरपंच दीपक अमलेश ने अब तक 11 वार्डों में सभा बैठक भवन का निर्माण नहीं किया। केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित अनेक योजनाओं के होते हुए भी सरपंच और वार्ड पंचों के व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते ग्रामीण जन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सरपंच द्वारा अस्थायी कार्य को करने में रुचि दिखाया जाता है, जिससे कि शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा सके। ये हाँ शासन के ऑनलाइन लिस्ट है, इमें जिसे काम दे है गांव भर में कि बहुत अकन आधा काम हो चुकी है, सामने देख आधा नहीं हुआ है। तो ये काम के बारे में हमन जानना चाहते हैं, जो नहीं हुए थे कर बारे में, बस अस के बोलना है मोला। हमारे गांव में ना हमन सचिव लोग पूछे हैं रंग मंच के पैसा है दुनिया है कि के तो नहीं आए कि सचिव भैया है, और गांधी चौक में रंग भवन है और शौचालय ग्रामीण शौचालय ओकरो बारे में पूछे ना तो वह ला नहीं बने हैं कि के बोली से वही पूछे, पर ना हम ऑनलाइन में ना ये सब पेपर ला निकलवा। ग्यारह हमारे यहाँ वार्ड 12 वार्ड है, जेवा की सिर्फ एक ही पंच आ रही थे, सरपंच भी नहीं आए थे और सचिव बता रही थे। तो हमारे गाँव के जतका आदमी है उन्होंने पूछे कि कहाँ कहाँ काम हो गए, तो 7-8 ठन काम हुए, जेवा की हमारे लगे कि 7-8 ठन काम बढ़िया हुए, लेकिन 2 ठन जो काम हुए वहाँ पैसा साफ हो गए जो यहाँ दिखाए गए हैं वहाँ, लेकिन 2 ठन काम नहीं हुए, ऐसा ना हमें जानकारी नहीं चाहता। जिला अस्पताल परिसर